आज हम यहाँ लालगढ़ नगर परिषद के पोझिया ग्राम में आए हैं, जहाँ की किसानों का कहना था कि यहाँ पे नीलगाय एवं घोरपरासों के द्वारा फसल की क्षति की जाती है। और यहाँ लालगंज के जो वर्तमान विधायक है संजय सिंह, जब वो इलेक्शन का समय था तो उन्होंने कहा था उस समय कि इलेक्शन के बाद मेरा सबसे पहला कार्य होगा कि किसानों को जो घोरपरासों एवं नीलगायों के द्वारा जो क्षति होती है उसकी भरपाई एवं इसका समुचित उपाय किया जाए। लेकिन अभी तक इसका कोई उपाय नहीं किया गया है, जो कि चुनाव का अंतराल जो है 2 साल हो चुका है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और किसान जो है इससे बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। और आज हम यहाँ आइए जानेंगे किसानों से कि वो इस बात पे अपना क्या राय रखना चाहते हैं, क्या विचार रखना चाहते हैं। सर अपना कांतलाल पासवान। आपका घर कहाँ हुआ? पोझिया। इसी जगह पे है? ये कौन सा जगह हुआ? पोझिया, नियर पोझिया, बलुआ। बलुआ, यहाँ पे घोरपरास से कितना दिन से आतंक है? अरे बहुत दिन से है यहाँ, अभी तक कोई निर्णय नहीं ले गई है, निर्णय कुछ नहीं। विधायक साहब का कहना था जब चुनाव का माहौल था कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम है किसानों को जो फसल क्षति होती है उसका उस पर विचार किया जाए, तो अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। कोई विचार नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं पंचायती राज विभाग के उस आदेश का जिसमें बताया गया है कि फसलों को बर्बाद कर रहे नीलगाय, घोरपरास और जंगली सुअरों को लोग अब मुखिया की अनुमति से ही मार सकेंगे। जी हां, पंचायती राज विभाग ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं वन विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि किसानों के नुकसान को बचाने को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इसकी मंजूरी दी है। अभी जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं वन विभाग के मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक मारने की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत हैं। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि खेती और बागवानी के फसलों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 416 के तहत यह अधिकार मुखिया को दिया जा रहा है। पंचायती राज विभाग की अनुमति के बाद जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं वन विभाग इस संबंध में आदेश जारी करेगा। बताइएगा सर। कमलेश्वर सर। आपका घर कहाँ हुआ? पोझिया। इसी जगह पे? हाँ। यहाँ पे घोरपरास का आतंक कितने दिनों से? बहुत है, बहुत है, चाहे कम से कम 10 वर्ष से है। कितने की संख्या में हो गया है घोरपरास? कम से कम हो गया है 150 हो गया हुआ है। 150 की संख्या में घोरपरास है यहाँ? घोरपरास है। अभी तक कोई इसका उपाय नहीं किया गया? कोई लोग कुछ भी उपाय नहीं किया किसानों की तरफ से? किसानों की तरफ से परेशानी है, किसानों को परेशानी। किसान को उपाय किया कि ना किया? नहीं, कुछ नहीं किया है अभी तक। सुनने में है कि एक हाथ भी तोड़ दिया गया है। हाँ, एको के घोरपरा से चहेट कर उसको हाथ तोड़ दिया, खेत में हाकने गया है ना। हाँ। तो उसको हाथ मारकर तोड़ दिया घोरपरा से। अच्छा, सरकारी मदद कोई दी गई है कि ना गई? नहीं, कुछ नहीं दिया गया। घोरपरास और जंगली सुअरों को मारने के लिए अब मुखिया को प्राधिकृत कर दिया जाएगा। विभाग के इस निर्णय के बाद खेतों में लगी फसल को बर्बाद करने से बचाया जा सकेगा। कोई भी मुखिया ही अब अपने पंचायत की सीमा के अंदर लगे फसल के हिसाब से तत्काल निर्णय ले सकेगा, जिससे बर्बाद करने वाले दोनों पशुओं, घोरपरास और जंगली सुअर को मारने में सहूलियत होगी। हालांकि पश्चिम चंपारण, कैमूर समेत अन्य कुछ वन इलाके वाले क्षेत्रों के पंचायतों के मुखिया को पंचायतवार तथ्यपूर्ण रिपोर्ट तैयार कर वन प्रमंडल पदाधिकारी के माध्यम से मुख्य वन प्राणी प्रतिपालक से पूर्व अनुमति लेनी होगी। बताइएगा। संजय कुमार ठाकुर हुआ मेरा। आपका घर कहाँ हुआ? नामेडी। यहाँ पे घोरपरासों का आतंक है, कितने को संख्या में है घोरपरासों के? लमसम लग रहा है कि 500 से ऊपर होगा। 500 से ऊपर है। सरकारी मदद कोई दी गई है कि ना दी गई है? कहाँ अभी तक कुछ मिला है। जब इलेक्शन का समय था और चुनाव के समय जो अभी वर्तमान में विधायक है संजय सिंह, उन्होंने कहा था कि चुनाव का सर्वप्रथम मेरा कार्य होगा किसानों की जो फसल की क्षति होती है उस पर विचार किया था, उस पर अभी कुछ हुआ है कि ना हुआ? ना, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कोई निर्णय नहीं ले गई है? कोई निर्णय नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? सब कहना चाहते हैं कि इस पर बहुत जल्दी निर्णय ले, लोग कार्रवाई करें, इसलिए कि हम लोग बहुत परेशान हैं घोरपरास से। घोरपरास इतने में तंग किए हुए हैं कि हम लोग की खेती करना मुश्किल हो गया। अच्छा, ठीक है। दिन रात हम लोग खेत में, समझिए कि लमसम में दिन भर में 20 बार खेत में घूमते रहते हैं, तब भी अगर 1 घंटा के लिए कहीं चल गए तो उसी 1 घंटा के अंदर में खेत के तहस नहस कर देता है। अच्छा, किसानों की तरफ से यहाँ कोई उपाय किए ही नहीं किए घोरपरास के लिए? किसानों की तरफ से उपाय तो लोग अपना सही घेर घेराव करता है, लेकिन नहीं मानता है घोरपरास से। वो समझिए कि उसको उखाड़ के तोड़ ताड़ के फेंक देता है। स्थानीय मुखिया वार्ड जो है उनके तरफ से ना, उन लोग तो अभी कुछ इस पर नहीं देखे हैं, कुछ नहीं किए, देखने भी नहीं आते हैं।
ना कहाँ इस पर कोई अथी। इसी सिलसिले में लालगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से लगातार नीलगाय घोरपरास के द्वारा फसल क्षति के कारण किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है तथा बढ़ते घोरपरास की संख्या न सिर्फ किसानों की फसल ही बर्बाद कर रही है अपितु राहगीरों के भी जान माल की हानि पहुंचा रही है। आए दिन नीलगाय घोरपरास के सड़क पार करने के क्रम में सड़क दुर्घटना बढ़ रही है। हालांकि लालगंज विधानसभा चुनाव के वक्त भी एक वर्तमान केंद्रीय मंत्री के द्वारा वादा किया गया था कि लालगंज में नीलगाय की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए दूसरे राज्य से शूटर बुलाकर नीलगायों को मारा जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव होने के करीबन 14 महीने बाद भी लालगंज में एक भी नीलगाय को नहीं मारा गया। आज जब हमारे संवाददाता लालगंज विधायक संजय सिंह से यह सवाल किया कि क्या आपके इतने दिनों के कार्यकाल में किसानों को घोरपरास नीलगाय से छुटकारा नहीं दिलाया जाएगा, तो लालगंज विधायक तिलमिलाते अंदाज में बताया कि हम सोते हुए भी अपनी वादे को याद रखते हैं और सिस्टम कोई कंप्यूटर नहीं है कि बटन दाबे और काम हो गया। खैर यह तो जनता भी जानती है कि लालगंज की वर्तमान विधायक अपने वादा के प्रति कितने वफादार हैं। तभी तो लालगंज करीबन 4 महीने बाढ़ की स्थिति को झेलने के बाद भी आज भले ही सड़क से पानी उतर गई है लेकिन गली मोहल्लों में अभी भी जल जमाव जस की तस है। खैर जनता समझदार है और विधायक जी की वादा आप भली भांति समझते हैं, तो आइए जानते हैं क्या बोले लालगंज विधायक संजय सिंह नीलगाय की समस्या पे। सर अभी जो किसान जो है नीलगाय और घोरपरासों से त्राही त्राही है, परेशान है, और 10-12 किसानों का वीडियो हमारे पास आ गया है कि किस तरह जो फसल की बर्बादी है, और आपके कार्यकाल का जो 1.5 साल तक पूरा गया और इलेक्शन के समय आपने कही थी कि इलेक्शन के बाद सर्वप्रथम जो है इसी पर चर्चा की जाएगी कि किसानों का जो है किस तरह से जो है फसल बाद उस पर विचार किया जाए, तो इस पर क्या कहेंगे सर? मुझे अपने किए गए वादे का स्मरण सोते समय भी रहता है। जी सर। मैंने अगर कहा था कि इस घोरपरास से मुक्ति के लिए हम काम करेंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की वन एवं पर्यावरण विभाग ने एक प्रस्ताव बना, वो हो गया है कि घोरपरासों को मारने का अधिकार दिया जाए, और अभी एक प्रस्ताव जा रहा है पंचायती राज विभाग को, जिसके माध्यम से मुखिया जो माननीय हमारे क्षेत्र के हैं सभी पूरे बिहार के, उनको यह अधिकार दिया जा रहा है कि जो जंगली सुअर है और घोरपरास है उसको वो अपने आवश्यकता के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, किसानों के वहां के फसलों के नुकसान के हिसाब से वो उसको मरवा सकते हैं, यह अधिकार दिया जा रहा है। मुझको अपना स्मरण रहता है, इसके लिए पहले फॉर फर्स्ट डे हम इस काम पर को शुरू किए हैं और वो मुकाम पर पहुंच गया है। अब ये अधिकार हमारे सभी माननीय मुखिया को मिलने जा रहा है कि वो मार सकते हैं। नहीं सर, जनता का वीडियो आया था, उसने बोला था कि विधायक सर अपना वादा भूल रहे हैं। अरे वादा भूल रहे हैं तो ये कंप्यूटर का बटन है, दबेगा और खड़ा हो जाएगा कोई कागज। दूसरा कोई चीज, जब हमने वादा किया था उस समय भी कहा था कि इसमें समय लगेगा परंतु ये चीज पूरा होगा, और आज उसके पूरा होने का समय आ गया है।